नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं राम परेश भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला के एक प्यारा आजादी से लेकर लोगों ने आजाद भारत हुआ तब से लोग जानते हैं, पहले बनिया जिला में था, वही अंग ये मऊ जिला में आ गया है, जिस ब्लॉक को कहते हैं रतनपुरा ब्लॉक। आप उस ब्लॉक के ये ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आप जनाब कृष्णा राजभर जी हैं। लाइव आपसे बातें होंगे विकास के बारे में, सरकार की योजना किस तरह आपने धरातल पर रखे हैं, दिखाए हैं, आप स्वयं बात होगी आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्णा राजभर जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से सभी अपने देशवासियों को सावन की शुभकामनाएं देते हुए। मैं आप सभी से सरकार की योजनाओं के बारे में, जो भी सरकार की योजना है यहाँ धरातल पर उतारी गई है और ये दिखता है, ये अपनी प्रशंसा मैं खुद से नहीं बल्कि आप लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, हर क्षेत्र में हर गांव में जाते हैं, आप लोगों से ही आपसे मेरी प्रशंसा सुनेंगे तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी। प्रमुख जी, आप कुछ अराजकता लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ब्लॉक प्रमुख कृष्णा राजभर जी द्वारा कराते तो काम सही है लेकिन उनका तरीका अलग है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिसको तरीके ना पसंद हो वो तरीके बदल लें, इसलिए कि इससे पहले जो भी प्रमुख हुए हैं मैं उनकी निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन कैसे कार्य चलते थे उसको हम आपके चैनल के माध्यम से बताना भी नहीं जरूरी समझता हूँ, लेकिन जो कार्य हमने किया है और कर रहे हैं लोग उनसे संतुष्ट हैं, उस कार्य से संतुष्ट हैं। और जो कि आपको भी दिखता होगा, कहीं भी क्षेत्र में जा रहे हैं आप देखते होंगे कि नहीं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ने काम कराया है। ये प्रमुख जी, ये आपके अंडर, आपके ब्लॉक के अंडर 77 ग्राम पंचायतें और 93 क्षेत्र पंचायत सदस्य आते हैं, आप किस तरह से उनको खुश रखते हैं? देखिए, हमसे हमारे विचार से लोग अगर खुश हों तो ये सही है। अगर आप शुरू से ही अपने विचार में ये बैठाए हैं, मन में बैठाए हैं कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, तो आपको हम कभी खुश नहीं कर सकते हैं। बाकी हमारे विचार से अगर आपके विचार मिलते हैं, हमारे कार्यों से आप खुश हैं, तो आप खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। ये जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, एक तो है वृक्षारोपण का आपके ब्लॉक द्वारा गाँव में, ग्रामीणों में, अन्य और जगहें वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, इसका तात्पर्य लोगों को बता दीजिए, क्या इसका तात्पर्य है, क्यों सरकार इतना जोर लगाई है वृक्षारोपण पर, चैनल के माध्यम से बता दीजिए लोगों को। जो आज हम लोगों का पर्यावरण इतना दूषित होता जा रहा है, इसके लिए सरकार ने एक नया योजना चलाया है कि ये जितने भी पेड़ पौधे लग रहे हैं इससे हमारा पर्यावरण सही रहे, सभी को ऑक्सीजन लेने में कोई परेशानियां ना हो, क्योंकि पर्यावरण बहुत काफ़ी दूषित हो चुका है। इसलिए सरकार का ये योजना है और हर गांव में, हर जगह, हर जिले में, पूरे प्रदेश में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। प्रमुख जी, आप युवा हैं, अंग हैं, आपको लोगों ने पहले नहीं देखे थे, आपका कार्य क्षेत्र क्या रहा है, लेकिन आप राजनीति में आने का क्या मतलब है? राजनीति में मेरे आने का मतलब यही है कि हम लोगों की सेवा कर सकें। सेवा का तात्पर्य यही है। सेवा करने का और भी तरीके हैं? नहीं, सेवा का मतलब ये नहीं है कि बैठकर हम उनका पैर दबाएं, सेवा का मतलब ये है कि जो भी सरकारी योजना, चैनल के माध्यम से आप प्रमुख प्रतिनिधि जी का बहुत गौर से बाणी और विचार आप लोग सुने। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेवा का मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो कि अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको, उनके पास शिक्षा नहीं है, न वो जान पाते हैं उस योजना के बारे में, तो हम लोग गांव-गांव तक जाकर इन योजनाओं को बताते हैं कि सरकार की ये योजना है, इस योजना को आप फार्म के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से जाएं और इसका लाभ उठाएं। ये बातें रही आप कृष्णा राजभर जी की, विकास की बातें रही, अब आपसे
तीसरी सवाल रहेगी, आपने क्षेत्र पंचायत लड़े होंगे तो आपके मन में यह तो नहीं आया होगा कि आपने ब्लॉक प्रमुख बन नहीं जाएंगे? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे मन में विचार, जो भी कोई हमारे ही नहीं कोई भी अगर चुनाव लड़ता है तो पहले से ही ये तय करके लड़ता है कि नहीं, जीत हमारी सुनिश्चित होगी, इस हिसाब से हम अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं और हमने भी वही किया। जो अच्छा, आपने क्षेत्र पंचायत की सीट जीत गए, फिर ब्लॉक प्रमुखी के दावादार हो गए, अब ऐसा नहीं हुआ ना कि आपने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले नीचे आकर के आपने यह अवसर का फायदा उठाया? ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये लोगों में आप सुने होंगे तो वो अफवाहें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारा जुड़ाव इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, अब आपको पहले नहीं, आप पहले नहीं रहे इस पार्टी में, एक बार एक आ गए हैं और इसका लाभ भी उठा लिए हैं, क्या लाभ? अभी हमारी उम्र आप देखें, मेरी 28 वर्ष हमको हुए हैं और उम्र के हिसाब से हम पहली बार पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं, इससे पहले हमारी कोई पार्टी नहीं थी। आप राजनीति भी नहीं थी? ना ही राजनीतिक करियर था मेरा कोई। हम आए, सर्वप्रथम आए भारतीय जनता पार्टी को देखे समझे और हमको लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोच्च है और उसके विचार, भारतीय जनता पार्टी के विचार से मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के विचार मिलते हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चूज किया और भारतीय जनता पार्टी में रहकर हमने चुनाव लड़ा और उसमें सफलता भी मिली। और आज ही नहीं, हम जब तक रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से रहकर काम करेंगे और लोगों तक भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को, जो भी योजनाएं आती हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज लाइव इंडिया। नए आप चैनल से जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दें प्लीज़। जय हिंद।